दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इंडियन लीगल लीगल यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे हर नया लीगल वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं एडवोकेट रवि सिंह चौबे आप सबका इंडियन लीगल लीगल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय पुलिस किसी विदेशी के खिलाफ FIR करती है तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? किसानों के समर्थन के लिए किए गए ट्वीट के बाद स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन क्या इस FIR के बाद उन पर कोई कानूनी कार्रवाई वाकई हो सकती है? किसी ट्वीट या बयान पर अगर भारत के किसी राज्य की पुलिस FIR करती है तो उस मामले में कैसे कार्रवाई होती है, हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ा है, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विवादित ट्वीट किया और उनके टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं जब भारत के खिलाफ बयानबाजी करने पर विदेशी लोगों पर मामले दर्ज हुए। ये पूरी जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट के वकील प्रेम जोशी से बातचीत के आधार पर दी गई है। सवाल, अगर कोई विदेशी भारत के मामले में कोई ट्वीट करता है या कोई आपत्तिजनक बयान देता है तो उसके ऊपर कोई मामला बनता है? जवाब यह है, भारत में इसके खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं है। यह निर्भर करता है कि ट्वीट उन्होंने भारत में रहकर किया है या बाहर रहकर किया है। अगर ट्वीट इंडिया में होता है तो कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर ट्वीट बाहर रहकर किया है तो हमारे पास इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। सवाल, जो लोग विदेश में रहते हैं अगर उनके खिलाफ भारत में कोई केस बनता है तो इसका क्या प्रावधान है कि उन्हें भारत में बुलाकर पूछताछ की जाएगी? जवाब यह है, अगर किसी विदेशी पर FIR होती है और उसका केस में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है तो उसे भारत में बुलाया जा सकता है और पूछताछ की जा सकती है। कार्रवाई होगी या नहीं, ये दोनों देशों के सरकार के नियमानुसार होता है। सवाल, जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है अगर वो कभी भारत आते हैं तो क्या उन्हें पकड़ा जा सकता है? जवाब यह है, वो व्यक्ति जिसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अगर मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है तो हाँ, उसे पकड़ा जा सकता है। सवाल, किसी विदेशी का यहाँ कोई काम है, चल रहा है या कोई उनका फाउंडेशन भारत में भी काम करता है तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जवाब यह है, हाँ कार्रवाई होगी अगर उसका मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है तो। अगर जरूरत पड़ी तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी जिसका इन्वेस्टिगेशन में नाम है। सवाल, अगर किसी विदेशी व्यक्ति के खिलाफ केस भी हो भी गया और वो भारतीय कानून का सामना नहीं करते हैं तो क्या उनके खिलाफ और कोई कार्रवाई हो सकती है? जवाब हाँ, भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी अगर मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है तो। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए FIR कराने की जरूरत होती है। ऐसे ही ग्रेटा मामले में भी FIR दर्ज की गई है, लेकिन सीधे तौर पर उनके नाम पर FIR नहीं हुई है। थैंक्स फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें।